top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद मेरे लिए एक दुख की घड़ी है और मैं समझता हूं सिर्फ मेरे लिए दुख की घड़ी नहीं है, इस देश के लिए और इस समाज के लिए दुख की घड़ी है कि एक महिला को, वरिष्ठ महिला को, बुजुर्ग महिला को उसके घर में घुसकर क्यों मार दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें आपके बीच में पहुंच रही होगी लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। वो मेरी खून के रिश्ते की मां नहीं थी और उनके साथ रहते हुए हमने एक बात महसूस की है कि खून के रिश्ते से मानवता का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कई बार उन्होंने कहा कि कन्हैया और कन्हैया जैसे दूसरे लोग मेरे बेटे जैसे हैं, उनको अपना कोई संतान नहीं था, लेकिन हर वो इंसान जो इंसानियत के लिए आवाज उठा रहा है उसको वो अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। और आखिर उनकी हत्या क्यों की गई? मैं सीबीआई में नहीं हूं, मैं पुलिस में भी नहीं हूं, मैं एनआईए का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं जांच नहीं कर सकता हूं और किसी जल्दबाजी में नहीं हूं कि मैं निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं कि किसने उनकी हत्या की। लेकिन वो क्या करती थी ये मैं जरूर जानता हूं। वो एक ऐसी महिला थी जो एक अखबार निकालती थी और उस अखबार की खासियत यह है कि वो अखबार बिना किसी एड का चलता था। जब पतंजलि का एड टीवी चैनलों को चलाना पड़ेगा, जब कंपनी का एड अखबारों को छापना पड़ेगा, तो उस कंपनी की जो बेईमानी है उसको वो अखबार और चैनल कभी भी जनता के सामने नहीं ला सकते। सच को बेबाक तरीके से जनता के बीच में लाया जाए बिना किसी दबाव का, बिना किसी लाभ का सच लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए उनका अखबार बिना किसी विज्ञापन का चलता था। और उस अखबार में क्या लिखा जाता था? गौरी लंकेश कहती थी कि मेरा रिलीजन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा संविधान है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिसकी प्रस्तावना में यह लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें यह नहीं कहा गया है वी द पीपल ऑफ हिंदू, वी द पीपल मुस्लिम, वी द पीपल सिख, वी द पीपल ईसाई, किसी भी धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं किया गया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना धर्म मानती थी और यह बार बार बताने की कोशिश करती थी कि कोई भी धर्म इंसानियत की हत्या करना नहीं सिखाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो। फिर जो हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की ठेकेदारी लेकर के इंसान की हत्या कर रहे हैं, दरअसल वो धर्म को बचा नहीं रहे हैं, वो धर्म को डुबा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार ये समझाने की कोशिश करती थी कि हिंदू होने में और हिंदूवादी होने में फर्क है। आप किसी जाति विशेष के हो सकते हैं क्योंकि जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर आप जिस जाति में पैदा होते हैं वो आपकी जाति बन जाती है, लेकिन आप जातिवादी हैं कि नहीं है, आप जातिवादी व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो हिंदू होना एक बात है, किसी जाति विशेष का होना एक बात है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंदूवादी होना, इस्लामवादी होना, धर्म के आधार पर ब्राह्मणवादी होना, यादववादी होना, ये एक बात होती है। इस फर्क को वो लोगों तक समझाती थी ताकि इंसान को जो जाति और धर्म के नाम पर बांटा गया है, इंसान को एक साथ जोड़ा जाए और उसका जो असली मसला है, रोजी रोटी का सवाल, रोटी कपड़ा मकान का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, इन सवालों पे सही संघर्ष हो, सही लड़ाई हो और लोगों तक न्याय पहुंचाई जाए, ये उनके अखबारों में लिखा जाता था। जब भी किसी माफिया के द्वारा
किसी का जमीन कब्जा किया जाता था। जामिया में भी ऐसा होता है कि जब कोई गरीब इंसान हो, कोई विधवा हो, तो माफिया लोग जाते हैं और उसका घर कब्जा कर लेते हैं, तो उसका विरोध करते थे। जब कहीं कोई भ्रष्टाचार होता था सरकारी नीतियों में, वो उसको सामने लाती थी, उसको उजागर करती थी। और जब किसी यूनिवर्सिटी में सरकार के द्वारा हमला किया जाता था, वो तब भी उसके खिलाफ बोलती थी। इसीलिए रोहित विमला की हत्या के बाद वो बड़े मुखर तरीके से अपने अखबारों में लिख रही थी। राणा आयुब का नाम आप लोग जानते होंगे, गुजरात मॉडल की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को राणा आयुब ने अपनी किताब गुजरात फाइल्स में बहुत बखूबी उजागर किया है। भेष बदल करके, नाम बदल करके बहुत सारी सच्चाई को उन्होंने सामने लाया है। और उस किताब का कन्नड़ा ट्रांसलेशन, कन्नड़ा वर्जन जो है उन्होंने प्रकाशित किया था, उसको पब्लिश किया था। जब जेएनयू के ऊपर हमला हुआ, मैं जेल में था, तो वो बड़े मुखर तरीके से बेंगलोर के अंदर जेएनयू के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी। जब बाबा राम रहीम का मसला आया, तो उस मसले के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रख रही थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी हत्या भाजपा ने की है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि वो जो लिख और पढ़ रही थी, वो जो बोल रही थी, वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आज जब किसी की हत्या कर दी जा रही है, और ये कोई पहली हत्या नहीं है, आज भीड़ को इतना उन्मादी बनाया गया है कि किसी भी नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी संस्कृति और धर्म के नाम पर लोगों का कत्ल कर दिया जा रहा है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके घर वाले प्रार्थना करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं कि उनके परिवार के लोग सही सलामत घर को लौट आए। क्या पता कौन सा उन्मादी भीड़ के हत्थे वो चढ़ जाए और उसकी जान चली जाए। ये स्थिति देश के अंदर पैदा की गई है, और इस स्थिति में जो माहौल देश के अंदर है, उस पे जो लोग बोल रहे हैं, उनको चुप कराने की साजिश है। अखलाक, पहलू, जुनैद, ये जो लोग, ये बहुत साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लेकिन जान लीजिए गौरी लंकेश कौन थी। गौरी लंकेश वो थी जिनके एक फोन पे सीएम उनके घर पर मिलने के लिए आता था। उनकी बहन कन्नड़ा फिल्म की डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और उनके पिताजी कन्नड़ा के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक थे, बहुत बड़े लेखक थे। आखिर कितनी ताकतवर महिला की हत्या क्यों की गई है, इस बात को आप समझिए। पूरे देश के अंदर एक संदेशा भेजा जा रहा है कि जो भी बोलने वाले लोग हो, वो चुप हो जाओ, यदि नहीं चुप होगे तो घर में घुस करके तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये संदेशा भेजने की कोशिश की जा रही है। रास्ते पे चलते हुए अखलाक पहलू तो मारे ही जा रहे हैं, कभी पुलिस वालों को मार दिया जाता है, कभी सेना के जवानों को मार दिया जाता है, कभी किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कभी विद्यार्थी मारे जाते हैं, ये तो आम बात है। इसके साथ साथ जो लोग समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, आरटीआई डाल करके अगर ये पूछा जाए डीएम साहब से, ये जो हमारी सड़क बनी है, इस सड़क का कितना एस्टीमेट था, तो उसको धमकी मिलती है माफिया के द्वारा, उसको धमकी मिलती है प्रशासन के गुंडों के द्वारा। या तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट डर जाता है, धमकी से घबरा जाता है, यदि नहीं घबराता है तो फिर उसकी आवाज को बंद कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ साथ जो लोग पर्यावरणवादी हैं, जो लोग इकोलॉजी की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, उनको भी मारा जा रहा है। जब वो कहते हैं कि ये यमुना का बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, हवा दूषित हो जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा होगी, और कल को कोई भी प्राकृतिक आपदा यहां पे हो सकता है,
इस बात की जो विरोध करता है, लैंड माफिया उसको धमकाते हैं, डराते हैं, यदि वो नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर ट्रक चलवा देते हैं, उसके ऊपर गोली चलवा देते हैं। ये जो बोलने वाले लोग हैं, सच के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी हत्याएं लगातार हो रही हैं। क्या अंतर है उन हत्याओं में और गौरी लंकेश की हत्या में, इस बात को आप समझिए। उसमें यह फर्क है कि पहले जो फील्ड में ग्राउंड पे कमजोर बैकग्राउंड के लोग होते थे, जिनका चाचा मंत्री नहीं है, जिनका चाचा जज नहीं है, डीएम नहीं है, जिनके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, जिस तरह का बैकग्राउंड जिसका नहीं होता था उसको टारगेट किया जाता था। आज के समय में मैं आपको बता दूं, देश के जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हों, चाहे वो रवीश कुमार हों, चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे वो सागरिका घोष हो, चाहे वो प्रतीक सिन्हा हो, कोई भी लोग हो, आज उनको खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। सच बोलने के चलते कहा जाता है कि तुम्हारा बलात्कार करेंगे, सच बोलने के चलते कहा जाता है कि तुमको तुम्हारे घर में घुस करके मारेंगे। और न सिर्फ पत्रकार, जो शायर है, आप लोग गौहर राजा साहब का नाम जानते हैं। गौहर राजा के बारे में जी न्यूज के अंदर एक रिपोर्ट की गई और उस रिपोर्ट में उनको अफजल प्रेमी बताया गया। गौहर राजा साहब ने उस चैनल के खिलाफ केस किया और केस का फैसला यह आया है कि इस कार्रवाई के चलते जी न्यूज को कोर्ट में जुर्माना भरने का आदेश दिया है। शायरों को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो जो सच बोल रहे हैं उनको टारगेट किया गया है। गुलबर्गी का नाम आप लोग जानते हैं, गुलबर्गी वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी की, जिनकी हत्या की गई। पंसारे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, 80 बरस के इंसान जिन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी थी और अंतिम क्षण तक जो विभाजनकारी सोच है, जो नफरत पर आधारित सोच है, जो इंसान को इंसान से बांटता है, जो इस नफरत के फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था शिवाजी कौन होता। और ये बात उन्होंने समझाने की कोशिश की कि शिवाजी इस देश के नायक थे, भाजपा के नेता नहीं थे, आरएसएस के नेता नहीं थे। और किस तरीके से भाजपा और आरएसएस उनको कब्जाने की कोशिश कर रहा है, इसका सच वो सामने लेकर के आए थे। इसके बाद एक किताब लिखी गई महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी के द्वारा, जिस किताब का नाम है हेमंत करकड़े को किसने मारा। इस किताब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा और दुनिया के लोगों को सच बताऊंगा कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म खतरे में है, यह बोल करके इंसान को भड़काया जा रहा है। इस सच्चाई को मैं लेकर के जाऊंगा और हेमंत करकरे की मौत किस स्थिति में हुई है ये सच मैं लोगों को बताऊंगा। इस घोषणा के बाद पानसारे जी की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र के अंदर। उससे पहले एक और इंसान की हत्या की गई, जिनका नाम दाभोलकर था, नरेंद्र दाभोलकर। नरेंद्र दाभोलकर पुणे के रहने वाले थे और पुणे संघ परिवार का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। जितने ये गुलबलकर, सावरकर, गोडसे, ये जितने तरह के लोग हैं, सबका कनेक्शन महाराष्ट्र से है। और पुणे शहर में वो रहते थे और वहां पर उन्होंने यह कहा कि धर्म के नाम पर किस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, धर्म कौन सा धर्म हम मानना चाहते हैं यह हमारी व्यक्तिगत आजादी है। हम मंदिर जाएं, हम मस्जिद जाएं, हम उपासना करें, हम इबादत करें, हम गुरुद्वारा जाएं, हम चर्च जाएं, यह हमारा व्यक्तिगत मसला है। इसके नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं और अंधविश्वास फैला करके गणेश जी को दूध पिलाने के नाम पे चंदा बटोर रहे हैं, उनके खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। उस आवाज को बंद करा दी गई, दाभोलकर की हत्या कर दी गई। ये जो हमले आप देख रहे हैं देश के अंदर, अलग अलग तरह के लोगों को जो मारा जा रहा है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है, इस बात को हमको समझना पड़ा।
इसके पीछे वो मानसिकता काम कर रही है जो कहती है यह भारत सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों का होगा, जो इसके पीछे वो मानसिकता काम कर रही है। इसके पीछे वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर गैर बराबरी को सही और बराबरी को गलत साबित करने के तुले हुए। इसके पीछे वो लोग हैं जब एक पत्रकार की हत्या होती है, कम से कम जब लोग मारे गए हैं, एटलीस्ट उस वक्त उस महिला को कुतिया कहना कितना शर्मनाक है, इस बात को आप समझिए। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई तो एक इंसान ने लिखा कि एक कुतिया मारी गई और सारे पिंडे जो हैं वो बिलबिलाने लगे हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस इंसान को हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इनको ताकत कहां से मिलती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का, इस बात को आप समझिए कि हमारे ऊपर आज किस तरीके का खतरा मंडरा था। एक तरफ हमको डरा रहे हैं ये बोल करके कि तुमको यदि हिंदुस्तान में रहना है तो सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर के रहना पड़ेगा, दोयम दर्जे का नागरिक बनकर के रहना पड़ेगा। तुमको रहने के लिए जामिया और जशोगड़ा के अलावे दिल्ली के किसी भी पॉश इलाके में, चाहे वो बसंत कुंज हो या बसंत बिहार या द्वारिका, वहां तुमको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये बात भी लोग साबित करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो इंसान के रंग रूप के आधार पे लोगों को उसके ऊपर सशक्त करने के लिए सिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो आंख में एक्सरे मशीन लेकर के घूम रहे हैं कि किसके झोले में क्या है, किसके टिफिन में क्या है और किसके फ्रिज में क्या रखा हुआ है, उसको वो ढूंढ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की जो बुनियादी तौर पर पहचान है उस पहचान को जो मिटा देना चाहते हैं, और वो पहचान ये है कि बगीचे में एक रंग का फूल नहीं होगा, बगीचे के सभी रंग का फूल होगा, बगीचा बहुरंगी होगा, उसके ऊपर किसी एक चीज को नहीं थोपा जाएगा। ये जो मानसिकता है जो नफरत से भरी हुई है, जो संदेह से भरी हुई है, जो विभाजन पर आधारित है, उस मानसिकता को हमको समझना पड़ेगा। और इस मानसिकता के लिए जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, जो भी इस मानसिकता की मुखालफत कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है ये लोग अफजल प्रेम हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग पाकिस्तानी हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग नक्सली हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग एंटी नेशनल हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग कांग्रेसी हैं, उनको कहा जा रहा है ये लोग झामपंथी हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये लोग सिकुलर हैं, प्रेस्टिट्यूट हैं, इस तरह के विशेषण से उनको नवाजा जा रहा है, इस तरह से उनकी उपाधि दी जा रही है। क्या सच्चाई है, एक एक बात का विश्लेषण कर लेते हैं। अफजल गुरु, ठीक बात है, अफजल गुरु को कोर्ट ने आदेश सुनाया और आदेश सुनाने के बाद उस इंसान को सजा दी गई और सजा देने के बाद वो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मामले का सही निपटारा नहीं करती है सरकार, और वैसे सरकार के साथ वैसी पार्टी के साथ जाकर के हाथ मिलाती है जो अफजल गुरु को अपना शहीद मानती है, अफजल गुरु का फोटो अपने ऑफिस में लगाती है, उसके साथ ही जाकर के सरकार बनाते हैं। मैं बीजेपी की बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाबा राम रहीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हालांकि मैं उसको कभी बाबा नहीं कहता हूं। मैं बाबा इसलिए नहीं कहता हूं कि बाबा तो त्यागी होते हैं, ये लोग भोगी हैं, इसलिए बाबा होने के काबिल नहीं है। और उस मसले में क्या सामने निकल करके आया, ये निकल करके आया कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बाबा जी के चरणों में था और कह रहा था कि बाबा जी आपने हमको वोट दिलाया है, हम आपको जेल से बचाएंगे। लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है, दिक्कत कहां आती है, जब यह देश आज भी अपना जमहूरियत को पूरी तरीके से नहीं खोया है, इस देश के अंदर लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या नहीं हुई है, दिक्कत कहां आ जाती है। यहां पुलिस के लोग खड़े हैं, इत्तफाक से दिल्ली पुलिस के लोग हैं,
ये तो कसम खाते हैं वर्दी पहन करके, वो कसम मोदी जी के परिवार का या संघ परिवार का नहीं खाते हैं, ये देश के संविधान का कसम खाते हैं। जो वकील है वो वकील देश के संविधान की रक्षा का कसम खाते हैं। इस देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो देश के संविधान का कसम खाते हैं। हालांकि देश का संविधान का कसम तो हमारे नेता जी भी खाते हैं, लेकिन कसम खाते ही भूल जाते हैं, क्योंकि करप्शन में पैसा खाते खाते उनको अपने कसम की याद नहीं रहती है, पैसा खा खा करके उनका पेट भर जाता है, इसीलिए कसम उनको याद नहीं रहती है। ये जो संविधान है, यह संविधान हमको कहता है कि हम सबसे पहले संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। और बाबा राम रहीम के केस में क्या होता है कि एक वकील और इत्तेफाक से वो वकील हमारे ही संगठन से जुड़े हुए रहे थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे, जिनका नाम अश्वनी बख्शी है, वो भी गौरी लंकेश की तरह अकेले चलते हैं, अकेले घूमते हैं। कई बार हमने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, आप इतनी बड़ी ताकत से घबरा रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत से आप लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम घबराते नहीं हैं, अगर घबराते तो लड़ते नहीं, इसीलिए दोनों बात एक साथ नहीं हो सकते हैं। जो घबराते हैं वो लड़ते नहीं हैं। और हमको घबराहट इसलिए नहीं होती है कि हमको भरोसा है इस देश की जनता पर, हमको भरोसा है इस देश के लोगों पर, और उनके चेहरे में जो इंसानियत जिंदा है उसके ऊपर हमको भरोसा है। और वो अकेला इंसान 15 साल तक उस केस को लड़ा, बाकी दूसरे वकीलों को भी उसमें शामिल किया और उस मुकदमे को जीता, और उसको साथ किसने दिया? उसको साथ दिया उस पुलिस अधिकारी ने जिसने उस मामले की जांच सही तरीके से की। और सबसे ज्यादा सैल्यूट आपको किसको करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा सैल्यूट करना पड़ेगा उस दो महिला का जिन्होंने किसी भी दबाव को झेलने से इनकार नहीं किया, और किसी भी दबाव को झेलते हुए ये कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और मुकम्मल अंजाम हम इसको पहुंचाएंगे। उसमें से एक लड़की की भाई की हत्या कर दी गई, परिवार के ऊपर इतना दबाव था, फिर भी ये लोग लड़े और लड़ करके बाबा जी को उनके सही जगह पर पहुंचाया है, इसलिए उसको भी सैल्यूट कर सकते। ये हिंदुस्तान का सिस्टम है जहां एक पत्रकार सबसे पहले बेबाकी से इस मुद्दे को उठाता है, जिसका नाम रामचंद्र छत्रपति था, जिसकी भी हत्या कर दी गई थी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। तो वहां पर लोकतंत्र का चौथा खंभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने सच को सामने लाया। ठीक उसी तरह से जो नौकरशाही के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम बाबा जी का कसम नहीं खाए हैं, हम देश के मंत्री और संतरी का कसम नहीं खाए हैं, हम देश का संविधान का कसम खाए हैं, इसलिए हम सही तरीके से जांच करेंगे, और जांच करके उन्होंने उस जांच को न्यायालय को सौंपा। और फिर वह जज बोला कि हम न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और हमको न्याय देना है, और किसी भी तरीके से न्याय को डिलीवर करने में, न्याय को लागू कराने में हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, उन्होंने न्याय को सुनिश्चित किया। ये जो पूरा का पूरा हमारा तंत्र है, आज इस तंत्र को खोखला करने की कोशिश की गई है। और खोखला कैसे किया जा रहा है? कहते हैं कि गुलाब के फूल से तो खुशबू ही आएगी, और नाला के किनारे अगर आप बैठे रहेंगे तो उससे बदबू ही आएगी। जिसकी जो फितरत होती है वो अपने फितरत के हिसाब से काम करता है। बिच्छू का फितरत होता है डंक मारना, और संत की फितरत होता है बिच्छू को अपने हाथ में लेकर के उसको बचाना। इस देश के अंदर जिसकी जो फितरत है वो वही करता है। जिन्होंने 2 नंबर की कमाई की है वो अपने जीवन में हमेशा 2 नंबर का ही धंधा करता है, और उसका ईमान भी 2 नंबर का होता है, उसका चरित्र भी 2 नंबर का होता है। ये जो 2 नंबर के लोग हैं, इस 2 नंबर के लोग अपने अपने पैसे की ताकत पे चीजों को खरीद लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं कि कुछ चीजों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। एक बात मुझे कोई बताए कि मैंने जिस मां के पेट से पैदा लिया, क्या मैं पैसे से दूसरी मां खरीद सकता हूं क्या?
क्या मैं पैसे से दूसरा बाप खरीद सकता हूँ? क्या क्या आप पैसे से अपने अंदर ईमानदारी खरीद सकते हैं? क्या क्या आप पैसे से ईमान खरीद करके ला सकते हैं? क्या पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है और पैसे से साहस भी नहीं खरीदा जाता है। तो जो लोग साहसी हैं उनको डराने की उनकी हर मुकम्मल कोशिश नाकाम हो जाती है, और जब डराने की हर मुकम्मल कोशिश नाकाम हो जाती है तो जिसका जो ईमान है वो अपने ईमान से उठ करके खड़ा हो जाता है। और आज भी मैं अपने ईमान पर उठ करके खड़ा हूँ उन्हीं लोगों के साथ जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में जान दे रहे हैं, खेतों में काम करते हुए फैक्ट्रियों तक पहुंच रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वहां जान दे रहे हैं, उनके बाल बच्चे पुलिस में फौज में जाकर के ईमान के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, वहां उनको जान जमानी पड़ रही है। ये जो ईमान के लोग हैं, ये ईमान वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को बचा चाहते हैं, ये बात हम सब लोगों को सोचनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी कि बुरे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि अच्छे लोग चुप हैं। अच्छे लोगों को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपके इस प्रोग्राम में आया हूं कि मेरी माँ जैसी औरत की हत्या की गई है, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं दो मिनट का मौन नहीं करूंगा, मैं गरजूंगा, मैं बोलूंगा उस अन्याय के खिलाफ। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं दोस्तों, और मुझे भरोसा है, मुझे इस देश के उन 25 करोड़ मुसलमानों की तरह भरोसा है कि इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी में रहते हुए भी वो मेजोरिटी के खिलाफ नहीं हुए हैं। मुझे भरोसा है मेजोरिटी के उन लोगों के ऊपर भी जो माइनॉरिटी के साथ रहते हुए समझते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान होने से पहले इंसान हैं। मुझे भरोसा है उस मेजोरिटी के। इसीलिए यह जो इंसानियत का रिश्ता है उस इंसानियत के रिश्ते की सूत्र तलाशने की कोशिश करता हूं, और मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो दहशत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं, जो अपना ईमान बेच करके दूसरे का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। इसीलिए मैं जब इस देश के इतिहास में जाता हूं तो इतनी सारी चीजें पता चलती है जिससे साहस मिलता है इस बड़े दैत्य के खिलाफ लड़ने का, और ये लड़ने का जज्बा हमने उठाया है। इसीलिए कन्याकुमारी से हमने यह लॉन्ग मार्च निकाला है जो विभिन्न राज्यों में होते हुए आपके शहर दिल्ली में पहुंचा है, और दिल्ली से निकल करके हरियाणा होते हुए हम पंजाब तक जाएंगे, जहां भगत सिंह की समाधि स्थल है, तो आप भगत सिंह के कसम खाएंगे और कहेंगे हम इस देश के लोगों से शपथ खा करके कि आप भी हमारे साथ शपथ खाइए कि किसी भी सूरत में हम इस मुल्क को बटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। ये सवाल आज हमारे सामने है दोस्तों। इसीलिए इस देश के इतिहास से बार बार रूबरू होने की जरूरत है, इस देश के वर्तमान से बार बार रूबरू होने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अगर आप इतिहास पढ़े होते तो शायद यह बात नहीं बोल रहे होते। अगर आप इतिहास पढ़े होते तो शायद आप धर्म के नाम पर ठेकेदारी नहीं कर रहे होते। कोई भी धर्म अपने विचार से जिंदा रहता है, अपनी खासियत और खूबसूरती से जिंदा रहता है, जबरदस्ती से जिंदा नहीं रहता है। अगर किसी भी धर्म के अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो उस धर्म को कोई नहीं मिटा सकता है। और देखिए हिंदुस्तान की खासियत कि हिंदुस्तान के अंदर जब दूसरे धर्म के लोग आए तो यहां के लोगों ने उस धर्म को भी अपनाया, लेकिन वैसे नहीं अपनाया जैसे वो था, उसको अपने रंग में ढाल करके अपनाया। यह बात आपको सामने आएगी। उर्दू जिसको आज धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, उसका इतिहास लोगों को मालूम होना चाहिए कि उर्दू केवल और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भाषा है, इसके अलावे पूरी दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोली जाती है। और उर्दू का विकास सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सीमा में हुआ है, और आज स्थिति यह है कि हिंदी थोपी जा रही है और उर्दू अपनाई जा रही है।
यह स्थिति इसलिए की गई है ताकि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके, ताकि भाषा के आधार पर लोगों की प्रेमचंद हिंदी के जो सबसे बड़े उपन्यासकार हैं उनका पहला उपन्यास उर्दू में प्रकाशित हुआ था। यह बात लोगों को जानना चाहिए, क्यों धर्म के नाम पे, क्यों भाषा के नाम पे, क्यों संस्कृति के नाम पे हम लोगों को बांट देने की साजिश हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि वो लोग चाहते हैं कि देश को और कमजोर कर दिया जाए। और शायद इसीलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त में सावरकर साहब ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि आप भारत छोड़ करके नहीं जाइए, क्योंकि यदि आप भारत छोड़ करके जाएंगे तो दोबारा से मुसलमान देश की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, इसलिए आप भारत छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये जो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा की और आज जो है प्रधानमंत्री बनकर के लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इनका इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए। और इतिहास जानते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस देश के अंदर जब जब इस तरह की कोशिश की गई है इस देश ने उसका मुकम्मल जवाब दिया है। इसी का नतीजा है कि आज यदि आपको कोई कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए तो आप उसको पलट करके कहिए कि पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में ही चले जाते, क्या हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में रहेंगे, इसीलिए हिंदुस्तान में रहेंगे। और मैं ये भी कह दूं आपको कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के तकरीर दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क ये है कि हिंदुस्तान सबका है और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का होगा। और उसी बात का खतरा है कि आज कुछ लोग हिंदुस्तान को सिर्फ एक धर्म का देश बना करके छोड़ देना चाहते हैं। और ये बात भी जान लीजिए कि उनको उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप भाषा के आधार पर देख लीजिए, लिंग के आधार पर देख लीजिए या संस्कृति के आधार पर देख लीजिए, उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भाषा के आधार पर यदि आप देखेंगे तो कहा जाता है संस्कृत देव भाषा है, मोदी जी को संस्कृत आती है, कितना भाषण मोदी जी का संस्कृत में सुने हमको जरा बता दीजिए। अगर आप लिंग की बात कर लेंगे तो हिंदू धर्म के अंदर महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा देने का बात किया गया है और कहा है कि जहां नारी पूजी जाती है वहीं स्वर्ग होता है, जहां पर नारी के साथ बलात्कार किया जा रहा हो, जहां नारी को पेट में ही मार दिया जा रहा हो, जहां नारी को छेड़ा जा रहा हो, जहां नारी को आज तक मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं दिया गया हो, जहां नारी को आज तक प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया हो, जहां नारी को आज तक द्वयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया हो, आप समझते हैं कि वो लोग जो हिंदू धर्म का दावा कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और तीसरा सवाल है संस्कृति का। संस्कृति में क्या कहा गया है? कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, पूरे विश्व में जो है हम बंधुत्व की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि पड़ोसियों के साथ नफरत करने की बात हिंदू की बात कैसे हो सकती है, हिंदू धर्म की बात कैसे हो सकती है? इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को हमको समझना होगा। इसीलिए धर्म के आधार पे जो कोई भी ठेकेदारी लेने की कोशिश करे, धर्म के आधार पे जो कोई भी उसको बचाने का दावा करे, उनसे एक सवाल पूछने की जरूरत है कि अल्लाह ने हमको बनाया है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, हमको अल्लाह की हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये बोल करके कि इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा है, इस्लाम खत्म हो रहा है, तो उनको बता दीजिएगा कि अपना जनरल नॉलेज थोड़ा ठीक कर लो, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है, हिंदुस्तान में खत्म करने से इस्लाम पूरी दुनिया में खत्म होने वाला नहीं है। और तीसरी बात कि कोई ये कहे आपके आस्था के नाम पे कि मैसेंजर ऑफ गॉड पैगंबर को किसी ने कुछ गलत कहा है,
उनके बारे में कुछ लिखा है, इसीलिए आप अपने घरों से तलवार निकाल करके किसी का हत्या करने के लिए निकल जाइए, तो उसको कहिएगा कि पैगंबर यदि आज हमारे साथ होते और हमको यदि उपदेश दे रहे होते, कुरान की आयतें बता रहे होते, तो पैगंबर कहते कि रहने दो, इसकी अक्ल मारी गई है, इस पर शैतान का छाया है, इसको थोड़ी देर हमारे पास आओ तो इंसान हो जाए। ये धर्म सिखाता है, ये धर्म की खासियत होती है। और इसी तरह से कुछ लोग राम का घर बनाने निकले हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में इंसान का घर नहीं है, तुम राम का घर बनाने निकले। और क्या कहता है, मेरी दादी राम भक्त थी, कई बार अयोध्या आई थी, तो हमने दादी से पूछा था, मेरे बचपन की बात है, मुझे याद है कि राम जी का घर देखे कि नहीं देखे, तो मेरी दादी बोली थी और मुझे वो आज तक याद है कि बेटा, राम तो कणकण में होते हैं, तुम्हारे अंदर भी राम है और हमारे अंदर भी राम है। तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां तक राम को सीमित करके छोड़ दिया जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब कणकण में राम है, राम को मानने वाले हर मन में राम बसते हैं, राम को मानने वाले हर मन में जब राम की मूरत है, मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो लोग ठेकेदारी लेकर के घूम रहे हैं, इस सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। क्या कहता है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म कहता है कि परम पिता परमेश्वर ने हमको रचा है और परम पिता परमेश्वर ने इस पूरे कायनात का निर्माण किया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो पक्षी हो या कीड़ा हो, गाय हो या सांड हो, बकरी हो या भेड़ हो, पेड़ हो या पौधा हो, सबका निर्माण परमपिता परमेश्वर ने किया है। और परमपिता परमेश्वर ने सब में जान फूकी है, और परमपिता परमेश्वर ने जब सब में जान फूकी है, तो परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके उसके बलात्कार करने की बात परमपिता परमेश्वर की बात नहीं है, ये सत्ता की बात है, ये राजनीति की बात है, ये अपनी कुर्सी गर्म करने की बात है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। जब सबके अंदर राम बसते हैं, तो वो बंद कर दिया उसने दुकान, और वो अखलाक के अंदर भी दुकान तो बंद कर दिया, बंद की हत्या करके आप राम की रक्षा कैसे कर रहे हैं? आपको सच में राम से कोई यार झूठ मत बोलो मेरे से, यार आपको नाथू राम से लेना देना है, इसीलिए आप राम की मंदिर नहीं नाथू राम की मंदिर बना रहे हैं। यह बात मैं आपको सुनना चाहता हूं। इस बात को बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मुल्क के अंदर हो ये रहा है कि एक ठग है हमारे सामने, और वो ठग क्या करता है, वो ठग बड़े बड़े मंचों पर जाकर हाथ हिला हिलाकर जुमलेबाजी करता है, और एक के बाद एक, जैसे आप दिल्ली की सड़कों पर घूमेंगे तो आपको लिखा मिलेगा गद्दे ही गद्दे, कुर्सियां ही कुर्सियां, उसी तरीके से भाजपा के ऑफिस के बाहर लिखना चाहिए जुमले ही जुमले, जुमले ही जुमले, एक के बाद एक के बाद एक जुमला आपके सामने फेंका जा रहा है, और उसका सच आप पूछ ना लें, उस पर सवाल न खड़ा कर दें। इसीलिए धर्म को उस हेलमेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से पुलिस वाले डंडा चलाने से पहले हेलमेट लगा लेते हैं कि पत्थर हमारे ऊपर ना आकर के लग जाए, सवाल का पत्थर सरकार पे न फेंका जाए। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, धर्म का हेलमेट लगा लिया है। पर पूछिएगा उनसे कि आपको वोट दिया था 15 लाख रुपया हमारे खाते में पहुंचाने के लिए, आपको वोट दिया था भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचा करके इस देश के अंदर जो संसाधनों की लूट है उस लूट को बंद कराने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए, सबको काम देने के लिए आपको वोट दिया था। आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि हर महीने जो है आप कोलंबस की तरह भारत खोज पे निकल जाए। आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप जो है कितने तरीके का इंडिया बताएंगे, कितने तरह का इंडिया बनाएंगे, इसका रोज आप नारेबाजी करें। पहले क्या बोले, मेक इन इंडिया, फिर क्या बोले, स्टार्टअप इंडिया, फिर क्या बोले, स्टैंडअप इंडिया, और आजकल कह रहे हैं न्यू इंडिया। पहला साल
गाय के नाम, दूसरा साल गंगा के नाम, तीसरा साल अपनी माता के नाम। पहले साल गाय माता, दूसरे साल गंगा माता, तीसरे साल अपनी माता। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो मोदी जी ने अपनी माता को ही लाइन में लगा दिया। कितने जिम्मेदार पुरुष हैं ये, कितना जिम्मेदार बेटा है। आप अपने से ये सवाल पूछिएगा कि मेरी माँ अगर 90 बरस की होती, मैं रिक्शा ही चला रहा होता, आपकी तरह प्रधानमंत्री नहीं होता, तो भी मैं अपनी माँ को लाइन में नहीं लगाता, खुद लाइन में लगता और पैसा निकाल करके लगता। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि सब कुछ बेच देना है, सब कुछ का भाव लगा देना है, सारे रिश्ते नातों का भाव लगा देना है, सारी मानवता और सारी भावनाओं का भाव लगा देना है, क्योंकि राजनीति ईमान के बिके हुए लोगों के द्वारा किया जाता है। एक भी नीति पेंशन सवाल पूछ लीजिएगा कि उस नीति की सच्चाई क्या है और उस नीति के बाद जनता को उसका क्या हक मिला है, ये सवाल उसे पूछ लीजिएगा। पूछिएगा कि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, कितना नौकरी पैदा हुआ है? और कहिएगा कि चलो हमको तो नई नौकरी मिला, हम लोग तो JNU से PhD करते हैं इसलिए हमको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जहां प्रयोगशाला की बजाय गौशाला खोला गया है, उनको तो नौकरी मिल गई होगी। ये पूछिएगा कि इस देश के इंजीनियरों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? वो तो बहुत स्किल्ड है ना। मोदी जी ने कहा था स्किल्ड इंडिया, स्किल इंडिया, हालांकि उसमें एस साइलेंट है और किल इंडिया हो रहा है, जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है। तो उस स्किल लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? वो लोग क्यों नहीं अपनी नौकरी प्राप्त कर पा रहे हैं? ये सवाल पूछिएगा कि इस देश के अंदर कितना काला धन है। जब नोटबंदी हुई थी तो मैं चीख चीख करके बोल रहा था, तो कुछ लोगों ने हमको आकर के कहा कि आपका तो धंधा हो गया है मोदी का विरोध करने का। हम बोले भाई साहब, हम इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हैं, बेकार के लोगों पे, फजूल के लोगों पे अपनी काबिलियत खर्च नहीं करना चाहते। हम बस सच आपको बता रहे हैं, किसी व्यक्ति का विरोध करना हमारा धंधा नहीं है। हमारी लड़ाई वैचारिक है, हमारी लड़ाई सोच की है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम बंटवारे के खिलाफ हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं, हम समानता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, न्याय और सम्मान चाहते हैं, हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमने कहा था डिमोनेटाइजेशन के वक्त उसको ले, ये धोखा है, ये झूठ बोला गया है। 50 दिन का वक्त मांगा गया है रो रो करके। एक तो मैंने रोने का जो अदा है, जो अदाकारी है रोने का, उसको देख करके लगता है कि इनको फिल्म फेयर पुरस्कार दे देना चाहिए बेस्ट एक्टर का। उन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दीजिए, सारा काला धन वापस आ जाएगा और जनधन योजना जो उसके चलते आपने खाता खुलवाया है, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। क्या हुआ है? 99% 500 और 1000 के नोट रिजर्व बैंक में जमा हो चुके हैं। शुक्र है कि इतने दिनों के बाद रिजर्व बैंक ने नोटों की गिनती कर ली कम से कम, क्योंकि लोग वोटों की गिनती में इतने व्यस्त हैं कि नोटों की गिनती नहीं हो पा रही है। अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने में इतने मस्त हैं कि योजनाएं फेल हो रही है, इसका हकीकत लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं। इसीलिए पीयूष गोयल साहब अमेरिका का फोटो लगा करके मोदी जी का विकास बताने में व्यस्त हैं। और सच्चाई यह है कि जब 99% नोट वापस बैंक में जमा हो गए तो काला धन कहां गया? और उस वक्त हमने यह बुनियादी सवाल उठाया था कि लाला रामदेव जी सुबह सुबह आकर के जो अनुल अनुलोम विलोम कराते हैं और आजकल जो है पतंजलि का फेस वॉश और बिस्कुट बेच रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि सारा पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। तो सारा पैसा यदि स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है तो लाइन SBI के बाहर क्यों लगाया गया है? और जब आज हकीकत सामने आ गई है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ना तो आतंकवाद रुका, उसके बाद आतंकवादी घटनाएं हुई, हमारे जवान शहीद हुए, लोगों की हत्याएं की गई, ना नक्सलवादी घटनाएं रुकी, ना पत्थरबाजी रुका। पहले तो कश्मीर के लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, आजकल भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसीलिए लॉन्ग मार्च में हमारे ऊपर जगह जगह पत्थर मारा जा रहा है। ना पत्थरबाजी रुकी, ना जो है लोगों